हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास इलेवेंथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ऑफ सी सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास फाइंड करना है ग्लूकोज होता है सी मॉलिक्यूल का ठीक है अब याद रखना मॉलिकुलर मास हम फाइंड कर सकते हैं जब हम क्या कर सकते हैं एटम के मास को ऐड कर ले तो एटॉमिक मास को हमने ऐड करना है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं मास तो आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद रखने हैं इसका यूनिट क्या होता है यू होता है सो आर सम एलिमेंट जिसके आपको एटॉमिक मास याद करने जैसे हाइड्रोजन का वन हीलियम का फोर कार्बन का ट्वेल्व होता है नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटी तो सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का आपको क्या याद करना है एटॉमिक मास याद रखना इनका यूनिट होता है है पर 24 ग्राम्स के ठीक है? तो ये तभी करोगे जब आपको क्या पूछा है अटोमिक मास मोलिकुलर मासिक्यूल ठीक है तो हमने हमें दिया मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज में क्या होता है सिक्स कार्बन होते हैं तो सिक्स इंटू ट्वेल्व मास क्या होता है अटोमिक मास ट्वेल्व होता है प्लस ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन का सिक्स इंटू सिक्स तो हो जाएगा सेवेंटी टू प्लस ट्वेल्व प्लस नाइन तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन नंबर है राइट द राइटेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग हमें दिया हुआ है ग्लूकोज इज सी एच ट्वेल्व ओ सिक्स एंड बोराजीन दिया हुआ है बी थ्री एच सिक्स एन थ्री ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मुला क्या होता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल तो जितने भी आइटम्स है उसका आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लोगे तो वो आपको मिल जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज की बात करेंगे तो सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स का अगर सिंपलेस्ट रेशो लोगे आप सिक्स ट्वेल्व और सिक्स का तो हमारा आ जाता है वन टू वन तो हमारा लिखेंगे हम इसे सी एच टू ओ सिमिलरली बोराजीन है हमारा बी थ्री एच सिक्स एन थ्री तो हमें इसे सिंपलेस्ट रेशो में लिखेंगे बी एच टू एन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन एच थ्री तो आपको परसेंटेज बताना है कि एन में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसे हम मास परसेंटेज भी कहते हैं ठीक है तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन वो होता है इक्वल टू टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन कि एनएस में नाइट्रोजन का कितना वेट है डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ एन तो टोटल वेट ऑफ द एन से डिवाइड करेंगे इन टू तो नाइट अगर हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल है एनएस का तो हमारे पास क्या हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी फोर्टीन यू नाइट्रोजन का 14 होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू थ्री हो जाएगा डिवाइड बाय 17 ठीक है तो 14 डिवाइड बाय 17 एटी टू पॉइंट थ्री परसेंट तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एनएस में दैट इज 82.3 टू परसेंट बाई वेट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन नंबर फोर है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सबसे पहले हमें दिया हुआ इलेवन ग्राम्स ऑफ सी ओ टू इन फॉर्म ऑफ वेट हमें वेट दिया हुआ है वेट और मास दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ठीक है हमें दिया हुआ है इलेवन ग्राम्स ऑफ सीओ टू इलेवन ग्राम्स ऑफ सी ओ टू दिया हुआ है तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन मोल किसके इक्वल होता है मोलर मास अब ये मोलर मास क्या होता है हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास हम ऐड करके निकाल सकते हैं एटोमिक तो और मॉलिकुलर मास को जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारा मोलर मास एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन अगर आपके पास एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है इसका वेट होता है सिक्सटीन यू और अगर हम इसका वेट फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म में ग्राम्स में तो अगर हम ग्राम में इसको लिख देते हैं तो ये बन जाता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन सिमिलरली वाटर का मास कितना होता है 18 यू 18 यू होता है बट अगर हम वन मोल ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें कितना आ जाता है 18 ग्राम तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है जो एन है यह है मोल मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास मोलर मास भी सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं जैसे आपने मास कैलकुलेट किया था बट इसमें हम लिखेंगे. तो हमें ऑलरेडी अब कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू टू इलेवन डिवाइड बाई 44 बट ये 44 में है दोनों ठीक है तो हमारा आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं अब याद रखना ये नंबर दिया हुआ है तो मोल को हम नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वन मोल होता है हमारा इज इक्वल टू पार्टिकल्स इसे हम एन ए भी लिखते हैं विच इज एवेट्रो नंबर मतलब क्या कि जिसके साथ भी आप ये वन मोल जोड़ देते हो तो उसके कितने पार्टिकल्स हो जाते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस ट्वेंटी थ्री सपोज आपके पास वन मोल ऑफ सोडियम है सोडियम एटम के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है हमारे पास सिक्स पॉइंट है सिमिलरली वन ऑफ वाटर है, तो मतलब है? फॉर्म में होता है ठीक है तो हमारा इसमें फॉर्मुला क्या बन जाता है कैलकुलेशन के लिए एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पर ट्वेंटी थ्री इसे हम एन ए और नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो एन हो जाएगा हमें क्वेश्चन में दिया थ्री पॉइंट जीरो वन वन टेंस पार ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पार ट्वेंटी थ्री अब इसको कैंसिल कर देंगे ये हो जाएगा वन बाय टू इसको कैंसिल इसको कैंसिल हमारा डिवाइड बाई टेन हो जाएगा सो वन बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट दिया हुआ है वन पॉइंट वन टू लीटर ऑफ सी ओ टू एट एस टी पी ठीक है अब लीटर की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं मोल को तो याद रखना वन मोल होता है हमारा 22.4 लीटर के इक्वल कोई भी गैस अगर आपको वन मोल दी है दैट इज 22.4 और अगर में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 22400 टू एम और सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है तो हमारा एन हो जाता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 टू लीटर्स क्योंकि क्वेश्चन में लीटर्स में दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 1.12 22.4 जो हो जाता है 1 20, तो हमारा आ जाएगा 0.05 मोल नेक्स्ट हम बात करेंगे है, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन और इसे हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन अब याद रखना ये लॉ क्या कहता है एलिमेंट जो कंपाउंड है वो हमेशा एलिमेंट्स का बना होता है कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय वेट जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उनका जो प्रपोर्शन होता है वेट का वो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है इसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूं सपोज आपके पास है सी ए सी ओ थ्री आपने हीट किया आपका बना सी एंड सी ओ टू तो सी ओ टू बन गया कार्बन को अगर आप बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपका फिर से CO2 टू बन जाता है अब ये दो डिफरेंट जगह से आपने CO2 टू बनाया बट अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ सीओ टू है तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो लें तो कार्बन कितना होता है कार्बन ट्वेल्व होता है ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो टू इन टू सिक्सटीन तो हो जाएगा ट्वेल्व इज टू थर्टी टू ये जो रेशो है ट्वेल्व टू थर्टी टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो थ्री इज टू एट ये रेशो जो है वेट का ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हमेशा कांस्टेंट रहेगा सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर नंबर की क्वेश्चन है बोरॉन अकर इन नेचर इन फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप बोरॉन दो आइसोटोप के फॉर्म में होता है एक होता है बोरॉन इलेवन एक होता है बोरॉन टेन ठीक है तो इनका जो मास होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है बोरॉन का और याद रखना ये दोनों का जो रेशो है नेचर में वो प्रेजेंट होता है 81 परसेंट तो बोरॉन इलेवन एटी वन परसेंट है और बोरॉन टेन है नाइनटीन परसेंट रिस्पेक्टिवली आपको कैलकुलेट करना है इसका एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपने इसके मास लेना है ठीक है एटॉमिक मास विच इज इलेवन और इसके रिलेटिव एबंडेंस से आपको मल्टीप्लाई कर देना विच इज एटी वन परसेंट आप प्लस करोगे इसका मास है सेकेंड वाले बोरॉन का टेन इसकी परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कर लोगे नाइन टीन परसेंट से तो ये हो जाएगा हमारा इलेवन इंटू एटी वन इज एट नाइन्टी वन बाई हंड्रेड ये हो जाएगा 190 नाइनटी बाई हंड्रेड कैलकुलेट कर लोगे तो आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास बोरान का आपको मिल जाएगा 10.81 पॉइंट यू नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.4 पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है और में दिया हुआ है और इससे हमें फाइंड है टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो हमेशा याद रखना कभी भी आपको कुछ भी ग्रांस में दिया होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं उसे मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के ग्राम्स दिया तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वॉिक्यूल फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है गिवन मास बाय मोलर मास गिवन मास हमें दिया है वन पॉइंट फोर ग्राम्स तो मास कितना हो जाएगा दो का ट्वेंटी एट ग्राम्स ठीक है आपने इसको डिवाइड कर दिया ये हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स तो ये तो हाँ, हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के इतने मोल्स बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन अब क्या होता है कि अगर आपके पास नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है अगर आप उसको डिसोसिएट करते हो तो आपको दो आइटम मिलते हैं यू विल गेट टू आइटम्स ऑफ नाइट्रोजन अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास इसका नाइट्रोजन का सिमिलरली अगर आपके पास वन मोल ऑफ नाइट्रोजन है अगर आपके सारे आइटम्स को सेपरेट कर दिया तो आपको मिल जाएगा दो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम ठीक है हमने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.05 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजनMolecule N2 दिया हुआ था तो इसमें कितने आइटम्स होंगे नाइट्रोजन के प्रेजेंट तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ट्वाइस हो रहा है तो 2 0.05 मोल्स तो हमारा आ जाएगा 0.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इतने एटम्स हमें मिले हैं अब हमें क्या फाइंड करना है ये तो हमने मोल्स में फाइंड कर लिया कि मोल्स में कितने आइटम्स है अब हमें फाइंड करना है नंबर में हमें पता है मोल्स किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवैड्रो नंबर विच इज सिक्स पॉइंट जीरो हमें एन पता है कितना है हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.1 मोल्स तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.022 पॉइंट जीरो टू टू पर ट्वेंटी को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टेन्स पर ट्वेंटी टू आटम्स ऑफ नाइट्रोजन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर एट में हमारा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट बनता है सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन से तो हमें इन तीनों का मास परसेंटेज फाइंड करना है ठीक है मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ एन तो सोडियम के दो हमारे आइटम्स है सोडियम का मास होता है ट्वेंटी थ्री सल्फर है थर्टी ऑक्सीजन होता है सिक्सटीन इंटू आप ऐड कर सकते हो तो फोर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर हमारा आ जाएगा वन फोर्टी टू यू मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ एन ए टू एस ओ फोर अब हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम सोडियम कितना प्रेजेंट है इसमें अगर देखेंगे ट्वेंटी थ्री इंटू टू तो सोडियम प्रेजेंट है फोर्टी सिक्स यू और टोटल मास कितना है टोटल मास ऑफ एन ए टू एस ओ फोर विच इज वन फोर्टी टू इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास परसेंटेज ऑफ सोडियम मिल जाएगा थर्टी टू पॉइंट थ्री नाइन परसेंट सिमिलरली हम सल्फर का फाइंड कर सकते हैं सल्फर का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है उसका मास होता है थर्टी टू टोटल मास हो जाता है ऑक्सीजन के चार हमारे एटम्स प्रेजेंट है तो सिक्सटीन इंटू फोर हो जाता है सिक्सटी फोर डिवाइड बाई वन फोर्टी टू इंटू हंड्रेड तो हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो सेवन परसेंटेज नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन नंबर नाइन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसे दिया पहले हमें 52 टू मोल्स ऑफ हीलियम हमें 52 टू मोल्स ऑफ हीलियम दिया हुआ है हमें पूछा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो हम यूज कर सकते हैं किसका मोल का फॉर्मला एन इज टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पॉट ट्वेंटी थ्री हमें एन ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये कितने दिया फिफ्टी टू मोल्स तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टेंस पॉट ट्वेंटी थ्री तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपको नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हीलियम मिल जाएंगे तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा थ्री वन थ्री इंटू टेन ट्वेंटी थ्री और आप इसे लिख सकते हो ऑफ हीलियम नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑफ हीलियम हमें यू की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि अगर, अगर हमारे पास एक एटम ऑफ हीलियम है तो इसका कितना मास हो जाता है फोर यू तो ये मोल की फॉर्म में नहीं दिया यू की फॉर्म में दिया हुआ है तो ये हो जाता है फोर यू के इक्वल तो फिफ्टी टू यू कितने नंबर ऑफ एटम्स में हो तो 52 4. तो हमारे हो जाएंगे एटम्स। नेक्स्ट हमें दिया 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम तो सबसे पहले अगर आपको ग्राम्स में दिया तो हमेशा मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो एन इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास सो एन किसके इक्वल हो जाएगा? गिवन दिया 52, मोलर मास होता है हमारे हीलियम का फोर ठीक है फोर 52 टू बाई फोर हो जाता है हमारा मोल्स। 13 मोल्स 13 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ये यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि वन मोल में कितने होते हैं? पर तो मोल्स में कितने हो जाएंगे? पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन एक कंपाउंड कंटेन 4.07 परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एक कंपाउंड में 4.07 परसेंट हाइड्रोजन है 24.27 परसेंट कार्बन है एंड 71.65 क्लोरीन है इट मॉलिकुलर मास इज इसका नाइनटी मास भी दिया 98.96 व्हाट इज द दम्पेरिकल एंड द मॉलिकुलर फॉर्मुला ठीक है सबसे पहले हमें ये जो परसेंटेज दिया दैट इज मास परसेंट मास परसेंटेज ऑफ हमें हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन दिया हुआ है हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे सपोज हमारे पास हंड्रेड ग्राम ऑफ सैंपल है अगर आप टोटल कर लेते हो तो सारा मास परसेंटेज 100 आता है तो हम एज्यूम करेंगे सपोज हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल है तो आपको परसेंटेज की जगह क्या लिख देना है ग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर देना ठीक है. है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4.07 पॉइंट ग्राम्स कार्बन हो जाएगा 24.27 फोर पॉइंट ग्राम्स एंड क्लोरीन सेवेंटी वन पॉइंट नेक्स्ट हमें क्या करना है इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को डिवाइड कर देंगे वन से आ जाएगा फोर कार्बन को डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से

पहले वाले आ जाएगा वैल्यू इसमें हम कार्बन को लिखते हैं तो कार्बन एक ही है हाइड्रोजन कितने हमारे दो और क्लोरीन कितना एक तो सी एच टू सी एल इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मोलिकुलर फॉर्मूला सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अब ये जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसमें टोटल मास कितना है कार्बन का 12 है हाइड्रोजन वन इंटू टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मास निकल गया तो हम एन निकालेंगे एन क्या होता है मोलर मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मोलर मास लिख लेंगे 98.96 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमने अभी कैलकुलेट किया 49.5 हमारा आ जाएगा 2 ठीक है और ये जो 2 है जब आप इसे इंपेरिकल फॉर्मुला से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मुला ठीक है तो विल विल बी इक्वल टू इज बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की क्वेश्चन नंबर इलेवन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्रांस प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ सिक्सटीन ग्राम ऑफ मिथेन हमने क्या किया कम्बशन किया है मिथेन का हमने मिथेन लिया 16 ग्राम और हमें कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ ये हमें बताना है सबसे पहले आप क्या करोगे एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाओगे कंबेशन का मतलब क्या होता है कि मिथेन को आपने ऑक्सीजन में बर्न किया है तो हमेशा कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड आप ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो आपका हमेशा सी एंड वाटर रिलीज होता है ये जो इक्वेशन इसे हमें बैलेंस करना है यहाँ पे चार हाइड्रोजन थे तो हम इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए टू ठीक है ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमें ऑलरेडी पता है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ सी दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ सी एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसे अगर हमें मोल्स की फॉर्म में लिखना है तो अगर हम इसे इन सब वैल्यूज को सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन्स पॉइंट ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करते हैं और एवोकेटो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हम इसको मोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वन मोल अगर आप सी एच फोर लोगे तो ये दो मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा One mole of CO2 बनेगा and two moles of water. तो आपको ये जो जो देखने से बोलते हैं हैं हम इनके इसमें है, इस one है, two है, one है, two है. तो इसी की में आप कैलकुलेशन कर सकते हो और इसे ही हम बोलते हैं ठीक है तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 16 ग्राम ऑफ मिथेन तो हमने 16 ग्राम ऑफ मिथेन लिया सबसे पहले से मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास मिथेन का मास गिवन है 16 मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 4 16 तो हमें वन मोल दिया हुआ है मिथेन का अब वन मोल ऑफ मिथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करता है अगर हम इसे इक्वेशन में देखें स्टाइसोमेट्रिक ओविश इसका वन है तो इसका टू है तो वन मोल प्रोड्यूस करेगा टू मोल्स ऑफ वाटर तो वन मोल ऑफ मिथेन विल प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ वाटर तो आपका बनेगा टू मोल्स ऑफ वाटर बट हमें क्या पूछा हुआ है वाटर का हमें मास पूछा हुआ है grams में पूछा है तो वन मोल ऑफ वाटर का मास होता है इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन हमें इथेन के तीन मोल दिए हुए हैं इथेन होता है सी फॉलोइंग हमें फॉलोइंग कैलकुलेट दॉलोइंग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट अब आपके पास इथेन दिया हुआ है अब याद रखना अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है सी टू एच सिक्स का और अगर आप इसके सारे एटम्स को ब्रेक करते हो तो आपको कितने कार्बन के एटम्स मिलेंगे आपको दो एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो आपने वन मोल ऑफ सी टू एच सिक्स लिया है वन मोल ऑफ सी एच सी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल लिया हुआ है आपने आप इसको डिसोसिएट करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स तो दो मोल आपको कार्बन एटम्स के मिलेंगे ठीक है तो क्वेश्चन में दिया है, अगर थ्री मोल्स आपने इथेन लिया था तो कितने कार्बन एटम्स मिलेंगे तो टू एक से दो मिलते हैं तो थ्री से टू इंटू थ्री विच इज सिक्स मोल्स ऑफ कार्बन एटम सेकेंड दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सिमिलरली इसे देखेंगे अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है सी टू एस सिक्स का आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको हाइड्रोजन के छह आइटम्स मिलेंगे तो अगर आपने मोल लिया हुआ है कितना वन मोल ऑफ इथेन लिया तो वन मोल में C2H6 में कितने हाइड्रोजन के आइटम जब आप ब्रेक कर लोगे तो आपको सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो थ्री मोल्स ऑफ इथेन में थ्री इंटू सिक्स विच इज एटीन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेंगे लास्ट ईयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन तो वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होता है ये तो हमें पता है वन मोल में होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन्स पॉट ट्वेंटी थ्री तो थ्री मोल्स में कितने हो जाएंगे थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पॉइंट ट्वेंटी थ्री विच इज एटीन पॉइंट जीरो सिक्स टेंस पॉट ट्वेंटी थ्री और न पॉइंट एट जीरो सिक्स टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन की हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हंड्रेड ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट हंड्रेड ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर मिलेगा और हमें एटॉमिक मास दिया कॉपर का विच इज सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव यू अब हमने हमारे पास अगर है वन मोल ऑफ कॉपर सल्फेट वन मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्रेजेंट होगा एटम्स तो वन मोल ऑफ कॉपर एटम्स क्योंकि कॉपर एक ही एटम ठीक है तो अगर हमने मोलर मास निकाला कॉपर सल्फेट का विच इज 63.5 कॉपर का वेट होता है सल्फर का होता तो है थर्टी टू ऑक्सीजन इन टू फोर हमारा आ जाएगा 159.5 ग्राम्स पर मोल तो मोलर मास है कॉपर का तो इसका मतलब क्या है कि 159 ग्राम पॉइंट फाइव ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में वन मोल ऑफ कॉपर प्रेजेंट है मतलब 63.5 थ्री ग्राम्स ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट

सबसे पहले हम बात करेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ सी एच फोर अब याद रखना कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, है? होते, है, होते हैं उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स प्रोटॉन्स होते हैं ठीक है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सिमिलरली हाइड्रोजन में भी क्या होते हैं कि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो चार हाइड्रोजन में चार इलेक्ट्रॉन तो टोटल टेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सी एच फोर ठीक है अब हमें क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता होता है 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 गिवन गिवन मास 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 मोलर मोलर हमें दिया कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का फोर हो जाएगा तो टोटल इट विल बिकम इक्वल टू सिक्स बाई मोल हमें वन मोल ऑफ मिथेन दिया है और हमें पता है वन मोल ऑफ मिथेन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन होंगे सिक्स पॉइंट जीरो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन प्रेजेंट तो एक मॉलिक्यूल में दस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पॉइंट जीरो टू टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 6.022 क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन है 56 kg 10 kg हमने दो गैस लिए हमने उससे अमोनिया बनाया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म अब याद रखना आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें दोनों रिएक्टेंट का आपको क्या दिया हुआ है वैल्यूज दिया हुआ है क्वांटिटी दिया हुआ है तो मोस्टली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक का वैल्यू ज्यादा होता है और एक का वैल्यू कम होता है स्टाइसोमेट्रिक जो रेशियो है उसके हिसाब से वो वैल्यू नहीं देते ठीक है इसको हम देखते हैं हमें नाइट्रोजन दिया एन टू गैस हम इसके इक्वेशन लिख लेंगे थ्री एच टू रिजल्ट इन्फॉर्मेशन टू एन एच थ्री नाइट्रोजन हमें दिया फिजी और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ग्राम और हाइड्रोजन दिया हमें टेन के जी और टेन थाउजेंड ग्राम्स हम सबसे पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं ठीक है मोल्स फाइंड कर लेंगे डिवाइडेड ट्वेंटी एट और हाइड्रोजन का होता है टू तो ये आ जाएगा अराउंड टू थाउजेंड मोल ये आ जाएगा हमारा फाइव थाउजेंड मोल्स सो मोस्ट ऑफ द ये जो द्वेश्चन है जिसमें दोनों रिएक्टेंट का वैल्यू दिया होता है सबसे पहले आपको दोनों के मोल्स निकाल देने हैं अब आप इनके रेशियोज देखोगे तो फॉर वन मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको तीन मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है बट यहां पे अगर आप देखो फॉर टू थाउजेंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें चाहिए सिक्स थाउजेंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो हमें क्या हुआ है एक क्वांटिटी इन्होंने कम दी हुई है ठीक है फॉर टू थाउजेंड मोल्स हमें सिक्स थाउजेंड चाहिए क्योंकि वन इसी का रेशियो है बट हमें सिर्फ फाइव थाउजेंड दिया है. तो जब ये रिएक्शन होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा जो हम कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जैसे उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी रिएक्शन विल स्टॉप उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप डायरेक्टली अगर आपने फाइंड कर लिया लिमिटिंग रीजन क्या है तो आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो और अगर आपको समझ नहीं आ रहा लिमिटिंग रीजन कैसे फाइंड करना है तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स को स्टेशमेट्रिकिश से डिवाइड कर सकते हो तो टू थाउजेंड को हम वन से डिवाइड कर देंगे फाइव थाउजेंड को थ्री से डिवाइड कर देंगे यहां पे वैल्यू आ जाएगा टू थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा वन सिक्स सिक्स सेवन तो जिसकी कम वैल्यू होगी दैट विल बी लिमिटिंग रीजन वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ये जो कैलकुलेशन है जो मैंने लाइन के नीचे बनाया है दैट इज ओनली यूज टू फाइंड द लिमिटिंग रीजन ठीक है इसे हम सिर्फ लिमिटिंग रेजेंट फाइंड करेंगे बट जो मेन कैलकुलेशन है वो मोल से ही हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है अब हमारे पास क्या हो गया हमें पता चल गया हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है इसके मोल्स है 5000 अब हम इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे और नॉर्मल कैलकुलेशन हम करेंगे जो फॉर थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारा टू मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा फॉर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन टू बाई थ्री मोल्स ऑफ हमारा अमोनिया बनेगा और फाइव थाउजेंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए टू बाई थ्री इंटू फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड बाई थ्री और 3333.3 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इन व्हिच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है आयरन एंड ऑक्सीजन का और साथ में हमें दिया मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड कंपाउंड जो भी बनेगा उसका हमें ऑक्साइड का मोलर मास दिया हुआ है, ग्राम्स पर तो आप क्या लिखते मास लिख ले हो परसेंटेज लिख लगे तो आयरन का होता है का हमें क्या करना है कभी भी हमें सबसे पहले अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मुला निकालना है तो हम सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे हम क्या करेंगे इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे हमारा बन जाएगा 69.9 नाइन ग्राम्स ये 30.1 पॉइंट ग्राम्स ग्राम जैसे आपका कन्वर्ट हो जाता है तो आप इसे कन्वर्ट कर दोगे मोल्स में मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको इसके अटोमिक मास से इससे डिवाइड कर देंगे तो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 इसे 30.1 इसका अगर मोलर मास की बात करें ऑक्सीजन का 16 होता है 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे इसका हो जाएगा वन और वन नंबर ऑफ मोल्स मिल गया आयरन और ऑक्सीजन के नेक्स्ट हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट रेशो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम पहले को करेंगे क्योंकि स्मालेस्ट नंबर है 1.25 1.25 टू फाइव वन डिवाइड बाई वन तो 1 आ जाएगा और 1.88 पॉइंट एट एट डिवाइड बाई वन तो हमारा 1.5 आ जाएगा याद रखना जो रेशो आई है वन इज टू वन पॉइंट फाइव आई है हमें चाहिए होल नंबर में रेशो तो सिंपलेस्ट होल नंबर में लाने के लिए क्या करेंगे दोनों को हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा टू इज टू थ्री तो हमारा एंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफ ई टू ओ थ्री एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका मिल गया फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे आयरन का मास होगा 55.85 फाइव पॉइंट और ऑक्सीजन 16 इंटू थ्री तो हमारा मास आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 159.7 ग्राम्स पर मोल नेक्स्ट हमें क्या करना है हम एन की वैल्यू फाइंड करनी है एन की वैल्यू होती है मोलर मास क्वेश्चन में दिया है, mass, अभी हमने किया, दोनों सेम है एन का वैल्यू वन होता है और याद रखना मोलिकुलर फॉर्मुला किसके इक्वल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इन टू एन एन वन है तो इम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सेम है विच इज एफ थ्री नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीओ टू सबसे पहला पार्ट है वन मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर आपने कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न मतलब इन एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो आपका बन जाता है सी टू हमें क्या दिया हुआ कार्बन दिया वन मोल वन मोल कार्बन कितना होता है ट्वेल्व ग्राम्स तो अगर आप वन मोल यूज कर रहे हो कार्बन तो स्टाइचोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से जो सीओ टू बनेगा दैट विल बी ऑल्सो वन मोल क्योंकि रेशियो इनकी स्टाइचोमेट्रिक ऑफिशन का क्या है सेम है तो फॉर वन मोल ऑफ कार्बन आपको वन मोल ऑफ सीओ टू बनेगा तो ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन पे आपका अगर आप इसका मास कैलकुलेट करोगे मोलर मास कार्बन का होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू टू तो हो जाएगा फोर्टी फोर ग्राम्स ठीक है तो अमाउंट ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस इज फोर्टी फोर ग्राम्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वन मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन सिक्सटीन ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन मतलब ओ टू अगर आपको अगेन दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज दी हुई है तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि एक वैल्यू कम होगी एक ज्यादा होगी जो कम होगी दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या करना है जब भी हमें वैल्यूज दी हुई है सबसे पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे हमें वन मोल ऑफ कार्बन दिया एंड सिक्सटीन ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन होता है ओ इसका मास हो जाता है थर्टी टू सो सिक्सटीन बाई थर्टी टू इज जीरो पॉइंट फाइव मोल्स तो कार्बन दिया हमें वन मोल ऑक्सीजन दिया है इसकी वन की रेशो है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन आपने इसमें क्या लिया हुआ है कम लिया हुआ है एज कंपेयर टू कार्बन क्योंकि मोल मोल कार्बन ऑफ के साथ रिएक्ट करेगा बट ऑक्सीजन हमें दिया जीरो पॉइंट फाइव मोल तो एज ए रिजल्ट जो कम क्वांटिटी में होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट तो हमें पता है फॉर वन मोल ऑफ ओ टू यू विल गेट वन मोल ऑफ सी ओ टू जीरो पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पे हमें मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ सी ओ टू और हमें पता है सी ओ टू का मास कितना होता है फोर्टी फोर तो जीरो पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सी ओ टू का टोटल वेट कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू ग्राम्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगेन हमें टू मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम्स ऑफ ओ टू हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे वी विल कन्वर्ट इनटू मोल्स में कार्बन दिया दो मोल्स ऑक्सीजन दिया हमें 16 ग्राम्स 16 ग्राम्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे बाय 32 टू ओ टू क्या होगा वेट कितना हो जाएगा 32 तो यहाँ आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव मोल्स अगेन आप दोनों की रेशियो देखो फॉर वन मोल ऑफ कार्बन वन मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बट यहाँ पे कार्बन टू मोल्स है और ऑक्सीजन सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव मोल है तो ऑक्सीजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है इसकी कम कंसेंट्रेशन है तो इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन वाली कैलकुलेशन है जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा 0.5 मोल ऑफ CO2 CO2 का वेट होता है 44 तो 0.5 44 हमें मिलेगा CO2 टोटल 22 ग्राम्स नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की इसका फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हम लिखेंगे वन पॉइंट टू सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें इसका क्या फाइंड करना है इसका मास फाइंड करना है हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले कभी भी कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में तो वॉल्यूम को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो एन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स क्योंकि हमें एक सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो याद रखना जो लीटर्स है उसको अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हो जाता है टू टू फोर जीरो जीरो सेंटीमीटर क्यूब और एम एन ठीक है तो लीटर से हमने ये लिख लिया गिवन वॉल्यूम तो इसको डिवाइड करेंगे आ 1 by 200 तो हमें हाइड्रोजन गैस और हमें पता है, 1 का कितना वेट होता है टू एच टू का वेट हो जाता है हमारा टू ग्राम्स टू ग्राम्स होता है वन मोल का तो वन बाय टू हंड्रेड का कितना वेट हो जाएगा टू इंटू वन बाय टू हंड्रेड विच इज जीरो पॉइंट ग्राम्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें दिया हुआ है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ थर्टी फोर ग्राम्स ऑफ एन एस एट एस टी पी अगेन आपको थर्टी फोर ग्राम्स दिया सबसे पहले हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बायर मास गिवन मास है थर्टी फोर मोलर मास है हमारा सेवनटीन ठीक है तो हो जाएगा हमारा टू मोल्स तो हमें टू मोल्स ऑफ अमोनिया मिल गया है और हमने ऑलरेडी पता है हमें कि वन मोल ऑफ कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स तो टू मोल्स ऑफ अमोनिया का कितना वॉल्यूम हो जाएगा हमारा टू इंटू ट्वेंटी पॉइंट फोर लीटर्स विच इज फोर्टी फोर पॉइंट एट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की क्वेश्चन है एंड नाइट्रोजन कंबाइंड हुआ है कितना थ्री ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद वन इंटू टेन स्पार थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्या दिए हुए हैं वेट दिए हुए हैं तो हम क्या कर लेंगे इसे मोस में कन्वर्ट कर लेंगे वेट दिया हुआ टू थाउजेंड तो मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 28 तो हो जाएगा 71.543 सिमिलरली 1000 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास होता है टू फाइव अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कभी भी आपको दो रिएक्टेंट की आपको क्या दिया वेट दिया हुआ है तो मोस्टली ये क्वेश्चन होते हैं हमारे लिमिटिंग रिएजेंट के मतलब कि एक रिएक्टेंट इन्होंने कम क्वांटिटी में दिया होगा तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और उसी के बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो अगर आप देख सकते हो नॉर्मली देख के हम बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये है सेवेंटी वन ठीक है हाइड्रोजन चाहिए हमें रेशियो देखो वन इस टू थ्री का रेशियो तो हाइड्रोजन चाहिए हमें थ्राइस तो सेवेंटी वन के लिए अगर हम थ्राइस लेते हैं तो अराउंड हमारा टू वन थ्री आ जाता है ठीक है तो टू वन थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए बट हाइड्रोजन हमें क्या दिया फाइव हंड्रेड तो हाइड्रोजन हमें ज़्यादा दिया हुआ है जितना हमें चाहिए था तो नाइट्रोजन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा

तो कैलकुलेशन हम इसके बेसिस पे करेंगे 71.43 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमारे कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे 2 इंटू सेवेंटी मोल्स ऑफ अमोनिया जो हो जाता है हमारा 142.86 मोल्स इतने मोल्स ऑफ अमोनिया हमारा बनेगा बट इन्होंने मास पूछा हुआ है तो मास कितना होता है ये इतना मोल्स है एक मोल का मास होता है सेवनटीन तो सेवनटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टू फोर अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ है विल एनी ऑफ दिस रिटन रिमेन अनरिए तो, तो खत्म हो जाएगा ठीक है बट जो हाइड्रोजन है वह क्या हो बच जाएगा रिएक्शन में क्योंकि वह ज्यादा क्वांटिटी में है तो हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड और लास्ट पूछा इफ यस विच वन एंड वट वुड बी इट्स मास तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड है तो इसका मास जो रिमेनिंग मास है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगेन हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा कितना हाइड्रोजन यूज होगा ठीक है एक नाइट्रोजन के लिए अगर हम एक नाइट्रोजन यूज करते हैं तो हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो सेवन थ्री ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें चाहिए इतना मोल्स हमें हाइड्रोजन चाहिए बट हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ फाइव हंड्रेडिएक्टेड कितना फाइव हंड्रेड माइनस टू वन फोर टू नाइन आ जाएगा हमारा बट तो हमें, तो हमें तो मास तो पूछा हुआ है तो इसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज टू तो फाइनल आंसर आ जाएगा 571.42 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसपे सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है वन ग्राम ऑफ गोल्ड वन ग्राम ऑफ सोडियम वन ग्राम ऑफ लिथियम एंड वन ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस हमें दिया हुआ है हमें एटॉमिक मास भी दिया हुआ है गोल्ड का 197 सोडियम का 23 लिथियम का 7 एंड क्लोरीन का 35.5 सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले इसे मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होगा ए यू तो हम हमें पता है मास बाय मोलर मास होता है मास है इसका वन मोलर मास और अटोमिक मास है वन नाइन्टी सेवन तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए और हमें पता है एक मोल्स में होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेंस पॉ ट्वेंटी थ्री तो वन बाय नाइन्टी थ्री में कितना होगा इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा थ्री पॉइंट जीरो फाइव फाइव टेंस बाय ट्वेंटी वन आइटम्स सिमिलरली सोडियम का भी हम क्या फाइंड करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास मास वन है

सी एल टू का मोलर मास कितना हो जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव क्योंकि दो हमारे एटम्स हैं तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स और हम इसे डिवाइड कर सकते हैं वन बाई सेवेंटी वन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टेंस फॉर ट्वेंटी थ्री ये हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्योंकि हमें क्लोरीन दिया हो इन ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स बट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इन द फॉर्म ऑफ एटम्स तो जितने आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसके ट्वाइस क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट तो हमें टू से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो तो ये पूरी वैल्यू को हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे ऑफ तो तो जो लिथियम है उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि उसका जिसका सबसे कम मास होता है उसी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो सिमिलर वीडियोस आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरे नोट्स का पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वो भी चेक कर सकते हो सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय